नमस्कार, मैं चंचल ठाकुर और आप देख रहे हैं बीएमआर भारत टीवी न्यूज। तो आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमआर भारत टीवी। लगातार आपको सच्ची और अच्छी खबरों से रूबरू करवा रहे हैं और साथ में ही विधानसभा की बिल्कुल कवरेज दिखा रहे हैं। तो इसी साथ आज हम पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति बाला और ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष गजय सिंह जी राठौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे किस प्रकार किसानों को खाद बीज दिया जाता है और किस प्रकार किसानों को लोनिंग दिया जा रहा है और किस प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है। तो गजय सिंह जी, सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो गजय सिंह जी, सबसे पहले अपना राजनीति परिचय। राजनीति परिचय शुरू से ही है, गांव में करते हैं, समाज सेवा काम है और कोऑपरेटिव में अभी वर्तमान में अध्यक्ष पद के लिए चयनित हुआ है जी। और अभी जो मुख्य बिंदु फसलों पे ही है जी, जो मौसम के से जो भारी क्षति हुई है, बारिश होने से खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, कटाई हो रखी है और पूरे खेतों में पानी भर गया है, फसल डूब गई जी और बहुत भारी नुकसान हुआ है किसानों को जी। इसको सर्वे करा रहे हैं हम, कृषि विभाग से आए हैं बड़े बड़े अधिकारी आला और एडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है जी। पटवारी से गिरदावरी करवाई है और कृषि पर्यवेक्षक से उनसे विचार विमर्श करके किसानों को फायदे के लिए जी उनको फायदा दिलाएंगे जी और सहयोग रहेगा हमारा। तो देखिए, बात करते हैं जैसे फसल खराब है, कितने परसेंट है? 100% है जी। पूरी फसल खेतों में लबालब पानी में तर रही है जी और बहुत ही खेत में नहीं घुस सकते, इतना पानी पड़ा हुआ है जी और बहुत नुकसान हुआ है जी। तो सर, बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी किस प्रकार चल रही है? बहुत अच्छी है। पहले लोनिंग हुआ था जी और लोनिंग फुल दिलवाया उनको जी। अभी बात फसल के बारे में है तो फसलों का जो बीमा किया हुआ था जी और ख़राब हुआ है, वो इसकी भरपाई के लिए किसानों को यही हमारा प्रयास रहेगा कि उनको फायदा देना है। तो देखिए, बात करने हैं लोनिंग किसानों को किस प्रकार दिया जाता है? लोनिंग तो किसानों को उसकी ज़मीन पे लिमिट बनती है उस हिसाब से जी। प्रत्येक किसान को 50-60 हज़ार, लाख, 1.5 लाख, जितना उनका जो लिमिट बनती है उस हिसाब से दिया है। तो इसमें कोई डिफॉल्टर खाते भी होंगे? डिफॉल्टर भी रह जाते हैं कहीं जी, जो बार बार अकाल की वजह से वो लोन क्लियर नहीं कर पाते हैं जी, उससे पीछे रह जाता है। तो उनकी होती है और आगे कुछ रह जाते हैं फिर भी। तो चैनल के माध्यम से उस किसानों को क्या अपील करना चाहोगे? हाँ, उनको यही है भाई, राम रूठ जाए तो राज नहीं रूठना चाहिए। किसानों के लिए यही उनको है, माफ किया जाए सरकार से, हम प्रयास करते हैं किसानों को और आगे उनको वापस अच्छी सूची में लाए, उनको डिफॉल्टरों को। तो देखिए, बात करते हैं जैसे खाद बीज किसानों को किस प्रकार दिया जाता है? खाद बीज तो अभी DAP जी और यही पद्धति से जाता है सरकार से जी और दिलवाते हैं उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो बात करते हैं, सबसे अहम मुद्दा होता है कृषि यंत्र। इसमें छोटे किसान होते हैं, कोई सक्षम नहीं होते, अगर अपने कोई ट्रैक्टर वगैरह ले लिया तो वो जार नहीं ले सकते, तो कृषि यंत्र वगैरह का प्रस्ताव वगैरह दिया आपने? बिल्कुल ऐसा तो नहीं, हमारे कृषि विभाग से बिलेड़ा से दिलवाते हैं जी, सोसाइटी से जी। गाँव में कोई इच्छुक है, जागरूक है तो उनको दिलवाते हैं। तो देखिए, बात करते हैं जैसे सहकारी समिति के अंदर किसानों के प्रति योजनाएं तो बहुत सारी आती है, पर धरातल पर देखा है अभी किसानों तक पहुंच नहीं पाती, कागजों में सिमट के रह जाती है। हाँ, उन पे वो अमन नहीं होता है ना, जानकारी देते नहीं किसानों को पूरी तरह से जी। आला महकमा का अधिकारी वो कागजों में उलझे रखते हैं जी, उनको बताते नहीं पूरी जानकारी जी। और जहाँ जागरूक किसान है वो फायदा भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं। तो देख जी, बात करते हैं जैसे फसल खराबा, तो फसल खराबा को लेकर चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील रहेगी आपकी? सरकार से यही अपील है, उनको पूरा से पूरा मुआवजा दिलाए जी किसानों को जी, ताकि उनका आर्थिक मनोबल बढ़े
तो हमारे साथ अमर सिंह जी राठौड़ भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। सर सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका। सर पूरा नाम बता। मेरा नाम अमर सिंह राठौड़ है जी, बालासती मेरा गांव है जी। तो जैसे सर देख रहे हैं कि फसल खराबा 100% पूरा ही नष्ट हो चुकी है फसल, तो इसको लेके क्या कहना चाहोगे? फसल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि समय पे गिरदावरी करावे और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे रहे हैं किसानों को। तो अभी गिरदावरी हो चुकी है? नहीं हुई। नहीं हुई अभी तक। तो क्या अपील रहेगी सरकार से? सरकार से यही अपील रहेगी कि सभी पटवारियों को सूचित किया जाए और सबकी गिरदावरी की जाए। तो देखिए बात करें चैनल के माध्यम से, कोई और हमारे चैनल के माध्यम कोई अपील करना चाहोगे आप सरकार से? सरकार से ये अपील है मुआवजा दिलाओ जी, फसल का भारी नुकसान हो रखा है किसानों को जी, पूरी तरह से कमर टूटी हुई उनकी जी। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष गजय सिंह जी राठौड़, जिन्होंने बताया कि सबसे अहम मुद्दा है किसान का फसल, वो बिल्कुल 100% ही नष्ट हो चुकी है। तो इनका कहना है कि सरकार इसकी ओर ध्यान दे जो किसान को इसका लाभ मिल पाए। तब तक जुड़े रहे VMR भारत TV के साथ, कैमरा सहयोगी महावीर प्रसाद के साथ मनोज जोरड़ की रिपोर्ट। धन्यवाद।